अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 यानी क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या कहा, इन द एबो फिगर बोथ RISK, अगर बात करें इंग्लिश में तो रिस्क होता है, रिस्क का हिंदी होता है जोखिम, ये मैथ है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, एंड CLUE यानी क्लू होता है, क्लू का हिंदी होता है संकेत। आगे इन्होंने क्या दिया, आर पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी क्वेश्चन इन्होंने ये कहा संलग्न आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर क्या है, चतुर्भुज है। यहाँ पे जैसा फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन इन्होंने ये कहा एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब ये है हमें क्या करना है, ओनली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फिगर के माध्यम से आप देखिए दो पैरेललोग्राम है, कौन कौन सा है, देखिए RISK एक मिला, दूसरा मिला यहाँ पे CLU यानी यहाँ पे देखिए CLUE, यानी दो हमारा क्या मिला, पैरेललोग्राम मिला, पहला मिला ये और दूसरा मिला हमारा ये। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, K मिला यानी एंगल K, तो एंगल के की वैल्यू इन्होंने कितना दिया 120 डिग्री। तो इसका ऑपोजिट जो एंगल होगा ये भी हमारा कितना होगा 120 डिग्री ही होगा। तो हम इसको क्या मानेंगे यहाँ पे, एम मानेंगे, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एम मानेंगे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया, एक्स दिया, तो एक्स यहाँ पे इन्होंने दिया तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एन मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे एंगल एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए तो समझिए उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं के मिला, के की वैल्यू इन्होंने कितना दिया 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा 120 डिग्री ही होगा, इसको हम क्या मानेंगे, एम मानेंगे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया, एक्स दिया, तो इसके नीचे वाला जो एंगल बनेगा इसको हम क्या मान रहे हैं, एन मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम क्या मिला, RISK, यहाँ फिगर के माध्यम से बता देते हैं ये हमारा एक पैरेललोग्राम है RISK, हिंदी मीडियम लिख लेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज RISK, यहाँ लिख देंगे में। तो देखिए यहाँ पे RISK, इसमें एंगल कौन सा मिल रहा है हमें, एंगल RIS इजिकल्स टू यानी इक्वल किसके मिल रहे हैं, एंगल K। तो K की वैल्यू इन्होंने क्या दिया 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल RIS इक्वल एंगल क्या मिला यहाँ पे, K मिला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, K करेंगे इक्वल यानी इजिकल्स टू K की वैल्यू इन्होंने क्या दिया 120 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये क्या है हमारे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे हम अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। यानी कहने का मतलब ये है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी मीडियम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे
एंगल एम प्लस, अब यहाँ पे देखिए हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंगल एम प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे क्या मिले, लीनियर पेयर मिला। यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिला, 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, हिंदी मीडियम लिख लेंगे रैखिक युग्म। जैसे कहने का मतलब ये होता है पैरेललोग्राम का जो एक साइड होते हैं 90 डिग्री का होता है, टोटल कितने का होता है 360 डिग्री का, तो एक साइड हमारा क्या मिला 90 डिग्री और दूसरा हमारा क्या मिला एंगल एम 90 डिग्री, तो दोनों को मिला कितना हुआ 180 डिग्री। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल एम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या मिला 120 डिग्री, किसमें प्लस में, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो सबसे पहले लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे एंगल एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 180 डिग्री में से 120 डिग्री जब आप माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार ये मिला हमारा एंगल एम की वैल्यू, कितना मिला 60 डिग्री, कितना मिला 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस दूसरे पैरेललोग्राम में करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे एंगल ई सी आई इक्वल किसके हैं एल के हैं, किसके हैं एंगल एल के हैं, तो एंगल एल की वैल्यू इन्होंने क्या दिया 70 डिग्री, यानी ये क्या मिला हमारा कोरेस्पोंडिंग एंगल मिला। तो यहां पे लिखेंगे हम, चलिए सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे हम एंड एंगल ई सी आई इक्वल किसके हैं एंगल एल के, तो एंगल एल की वैल्यू इन्होंने कितना दिया 70 डिग्री, यानी ये क्या मिला हमारा कोरेस्पोंडिंग एंगल, यहां लिख देंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल। हिंदी मीडियम लिख लेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल के जगह पे संगत कोण, एंड के जगह पे लिख लेंगे और। तो चलिए फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए एम मिला और यहाँ पे क्या मिला एन, एंगल एम की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, अब हम क्या करेंगे एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो समझिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या मिला एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे एम प्लस एन करेंगे प्लस उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ई सी आई एंगल मिला हमारा, यानी कहने का मतलब ये है हम प्लस करेंगे एम प्लस एन प्लस एंगल ई सी आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कितना मिला 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे हम प्लस करते हैं, जैसा कि मैं बता दूं ये क्वेश्चन आसान है, तो यहां लिखेंगे हम एम प्लस एन प्लस एंगल क्या मिला ई सी आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या मिला हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हिंदी मीडियम लिख लेंगे यहां पे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पे इन्होंने क्या मिला, हमने क्या लिखा एम, एंगल एम की वैल्यू हमने क्या निकाला
60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 डिग्री प्लस यहाँ क्या मिला NIDT लिखेंगे प्लस, और यहाँ क्या मिला एंगल ECI। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एंगल ECI के इक्वल क्या मिला एंगल L, तो इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दिया 70 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 70 डिग्री इजिकल्स टू यहाँ क्या मिला 180 डिग्री। तो चलिए हमें क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिला 60 डिग्री और यहाँ क्या मिला 70 डिग्री, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 60 प्लस 70 डिग्री कितना मिला 130 डिग्री प्लस यहाँ क्या बचा n इजिकल्स टू यहाँ क्या मिला 180 डिग्री। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 130 डिग्री है, यहाँ साइन है तो किस में प्लस में, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो सबसे पहले लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू 180 डिग्री में से जब आप 130 डिग्री माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार ये मिला हमारा n की वैल्यू कितना मिला 50 डिग्री, कितना मिला 50 डिग्री। तो यहाँ एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा आल्सो x इक्वल n इजिकल्स टू क्या मिला 50 डिग्री, यानी ये क्या मिला हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी मीडियम लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। जैसा कि एक बार हम फिगर के माध्यम से बता देते हैं, हमने n की वैल्यू क्या लिया 50 डिग्री हमें मिला है, ठीक है। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पे देखिए हम बता देते हैं फिगर के माध्यम से, यानी n की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया यहां पे 50 डिग्री फाइंड किया, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या मिल रहा है x मिल रहा है। तो ये भी हमारा कितना होगा 50 डिग्री ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ओनली x की वैल्यू पूछा गया था तो हमें फाइंड क्या करना था n की वैल्यू। n की वैल्यू अगर हमें मिल गया 50 डिग्री तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या मिल रहा है x मिल रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगा 50 डिग्री ही होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।